हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम है 2:30 बजे का और बाहर इतना अच्छा मौसम है कि 6 बज गए हैं, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है। आज लगता है तूफान आएगा और या तो बारिश, लेकिन बारिश कम ही आती है, ज़्यादातर तूफान ही आता है। और इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैं कर रही हूँ अपना फ्रिज साफ। बहुत दिन हो गए थे, लेकिन गर्मी की वजह से मन नहीं करता था फ्रिज साफ करने का। अच्छा मौसम है और अंदर पंखे की हवा भी ठंडी है, अंदर भी इतनी गर्मी नहीं लग रही, तो मैं पहले आज अपना फ्रिज ही साफ करती हूँ अभी। तो चलती हूँ, मैं कर लेती हूँ फ्रिज साफ। देखिए बहुत बुरा हाल है इसका, पहले सारा कुछ बाहर निकालती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं एक एक करके सारा सामान बाहर निकाल रही हूँ। जो जो इसके पार्ट्स बाहर निकल सकते हैं मैं सारे बाहर निकाल दूंगी और इसे किचन में अच्छे से क्लीन करूंगी किचन वाले सोप के साथ। और एक बार मैंने कपड़ा अच्छे से मार दिया बीच में, जो सूखी सब्जी वगैरह पड़ी है वो सारा निकल गया सूखा कचरा। अब मैं सबसे पहले ये टफन है जो ग्लास, इसको साफ कर रही हूँ और इसको धो के मैं इधर ही पंखा लगा के साइड में रख दूंगी, क्योंकि सोरिश लगता सो गया। वो कह रहा था मम्मा मुझे नींद आ रही है, तो मैं सोच रही थी शायद ये पढ़ने के नाम पे कर रहा है, पर मैं अभी देखने तो नहीं गई लेकिन बाहर नहीं आया, वो सो गया लगता। तो मैं अब आराम से ये यहाँ सूख जाएंगी, तो ये मैं सारा सामान यही रख दूंगी और ऑन कर दूंगी फैन को, और तब तक अंदर वाला फ्रिज साफ कर लेती हूँ। फ्रिज के सारे पार्ट्स वॉश करने के बाद अभी ये देखिए कितना कचरा निकला था बीच से, तो अभी मैं यहाँ साफ कर लेती हूँ ये वाला फ्रिज। और इसमें मैंने गर्म पानी लिया है और किचन वाला ही सोप लिया है, और साथ में नींबू नार डाल दिया है इसमें। फ्रिज इतना गंदा नहीं था क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले किया था, लेकिन फिर भी ये हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, तो मैं आज फिर से इसको कर रही थी अच्छे से क्लीन। सारी इसकी सेटिंग ख़राब हुई थी, जहाँ चीज़ें रखनी है वहाँ नहीं रखते, जल्दबाजी में उलट पुलट रख देती हूँ, तो फिर बड़ा बुरा सा लगता है वो दिखने में। खोलो जब, तो मुझे यहाँ पे फ्रिज ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि हॉर्न बज गया था, सोरिश के पापा आ गए नीचे, और गेट की चाबी ऊपर ही सोरिश ले आया था और सोरिश सो रहा था, तो मुझे नीचे आना पड़ा। और बाहर देखो कितना ज़्यादा तूफान आ गया हुआ था।
और देखो यहाँ पे मेरी चुन्नी कहाँ उड़ के आ गई है। और यहाँ पे सुबह ये टमाटर सूखे हुआ था, ये पौधा उसको उखाड़ा था और टमाटर पड़ा था वो भी मैंने ले लिए। और अब हस्बैंड को पानी दे दिया, नींबू पानी पीना था इनको तो वो बना के दे दिया। अब मैं फिर से कर रही हूँ फ्रिज साफ जो रह गया था। तो फ्रेंड्स बाहर बहुत तेज़ बारिश आ गई है, ये देखिए। और मुझे पता ही नहीं है ये छोटा टॉवल इधर ही, हैंड टॉवल। और देखिए सौरिश पढ़ने बैठा था और इसको नींद आ गई, कभी दिन में सोता नहीं है क्योंकि जब स्कूल जाता है तो बच्चा थक जाता है तो आके कभी कभी सो लेता, लेकिन जब से घर है ये आज ही सोया दिन में, क्योंकि बाहर मौसम अच्छा था लगता है इसलिए। और सारी बुक्स में इसकी उठा के रख रही हूँ। तो मैं फिलहाल ऐसे ही रख रही हूँ, ये बाद में खुद ही सेटिंग कर लेता है। और ये पिल्लो कभी लेता नहीं है इसलिए मैं निकाल रही हूँ इसके सिर से नीचे से पिल्लो। और अभी मैं यहाँ पे छील रही हूँ आलू और प्याज क्योंकि मुझे अभी बनाने हैं पकोड़े, तो बारिश लगी है तो पकोड़े तो बनते ही हैं तो वही बना रही हूँ मैं। तो सौरिश के लिए लंबे लंबे से आलू कट किए क्योंकि उसे प्याज आ जाएगा मुंह में तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा, तो उसके लिए आलू वाले निकाल दूंगी।
तो ये डाल दिया बेसन और जो हल्दी और मिर्च मसाला जो भी पड़ता है वो सब डाल के, तो अभी बना लूँगी मैं पकोड़े। ये साबुत जीरा डाल दिया और ये मिर्च मैंने कुटी हुई डाली है, अगर मैं हरी मिर्च डालती तो सोरिश के मुंह में आती, तो साबुत वो भी नहीं था सूखा धनिया तो वो पिसा हुआ था वो डाल दिया मैंने। तो अंदर बैठने का मन नहीं कर रहा था, बारिश तो अभी हट गई है लेकिन बहुत ही ठंडी सी हवा चल रही थी, तो यहाँ बालकनी में बैठ गए सारे आके। फ्रेंड्स हमने अभी पकोड़े खा लिए और सौरिश पापा के साथ छत पे चला गया है क्योंकि बाहर बहुत ही अच्छी ठंडी सी हवा चल रही है, क्योंकि अभी बारिश हुई है इसलिए। और मैं भी अभी जा रही हूँ ऊपर ही, तो मैं भी अब वॉक करूँगी क्योंकि पकोड़े खाया तो इसे पचाने के लिए वॉक तो करनी पड़ेगी। और मुझे रात के खाने की इतनी टेंशन नहीं है आज, क्योंकि चावल भी बचे हैं दोपहर के और आटा भी गूंथा पड़ा है, तो मैंने सिर्फ सब्जी बनानी है। तो अभी मैं चलती हूँ ऊपर और करती हूँ वॉक और उसके बाद आऊँगी नीचे फिर जोत और रात का खाना। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे इधर तो अभी बादल नहीं है लेकिन दूर से दिखाई दे रहे हैं, अब इधर चले गए हैं सामने और उधर बारिश हो रही है अभी और बहुत तेजी से बादल आगे की तरफ चले जा रहे हैं। तो वॉक करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ नीचे और बहुत ही ठंडी हवा थी, देखो मेरे सारे बाल उड़ गए हैं और शोरिश ने शॉर्ट पहनी थी तो उसे ठंडी लगने लग पड़ी थी। अब हम नीचे आ गए हैं और अभी हस्बैंड को पीनी थी चाय और मुझे भी, तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय और फिर बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फ्रेंड्स अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।